आज राजस्थान के रिपोर्ट कार्ड में आपको दिखाएंगे विधानसभा क्षेत्र श्री गंगानगर का रिपोर्ट कार्ड, जहां की विधायक श्रीमती कामिनी जिंदल जी क्षेत्र की पहली महिला विधायक होने के साथ पूरे राजस्थान की सबसे युवा और सबसे अमीर विधायक हैं। चुनावों से पहले इन्होंने अपने क्षेत्र की जनता से जो वायदे किए वो कितने पूरे हुए, आइए जानें इनके कामों का रिपोर्ट कार्ड श्री गंगानगर की जनता से। क्या आपके विधायक आम लोगों के बीच में आते हैं? नहीं आते, हमने तो कभी नहीं देखा। वोट देगा घर बैठे ही। हमने कभी अपने विधायक को अपने लोगों में नहीं देखा। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं आगे विधायक कौन है, वोट दे के बैठे उनको पता ही नहीं कामनी है कौन, क्योंकि वो कभी आती नहीं है। उन्होंने कोई नहीं आए, उन्होंने वादे पर उन्होंने कोई भी वादा अपना पूरा नहीं किया। मैं बंटी वाल्मीकि सामाजिक कार्यकर्ता हूँ श्रीगंगानगर से। हमारे विधायक सुश्री कामिनी जिंदल से बड़ी उम्मीदें थी, युवा विधायक थी, लेकिन वो उम्मीदों पे खरा नहीं उतरी। आज शहर त्राहिमाम कर रहा है। हमारा विधायक कुछ नहीं करा हमारे गंगानगर में। यहाँ का आप हाल देख सकते हो, सड़कें टूटी पड़ी है, नालियाँ नहीं बन रही, 5 साल हो गए कामिनी जी को, पर यहाँ की कोई सुविधा ही नहीं होती है। सड़कें, नालियाँ, जल निकासी, तब भी उनके पास कोई भी प्रॉब्लम लेके जाओ तो सब यही बोलते हैं कि नहीं कामिनी जी तो है ही नहीं यहाँ पे, वो तो वहाँ पे है जयपुर, क्योंकि वो यहाँ पे होती नहीं। कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, यहाँ का कामिनी जी तो होती नहीं बिल्कुल। सरकारी हॉस्पिटल में हमारे साफ सफाई बिल्कुल नहीं है, ना ही कभी डॉक्टर, हम जाते हैं तो डॉक्टर कभी 10 दिनों की छुट्टी बताते हैं, कभी 15 दिनों की छुट्टी। दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, डॉक्टर भी कोई ध्यान से देखते नहीं है सरकारी हॉस्पिटल में। डेंगू चेक करने के लिए किट ही नहीं है, तो इसलिए इस तरह की व्यवस्था सुन के वहाँ जाने की हिम्मत ही नहीं होती। गरीब आदमी, आम जनता परेशान है, अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में कोई बढ़िया सुविधा नहीं है। जैसे कामिनी जी खुद लेडीज हैं, एक हमारी यहाँ की मुख्यमंत्री भी लेडीज है, पर वो लेडीज के लिए कुछ कर नहीं रही। अब हम खुद स्टूडेंट है, पढ़ते जाते हैं, लड़कियाँ रोज कुछ ना कुछ नई छेड़छाड़ इन चीजों के शिकार होती है। सुबह का न्यूज पेपर उठाते हैं जब 6 महीने के बच्चे के साथ रेप हो रहा है, बच्चे सेफ नहीं है, तो कई बार तो सच पूछे तो अखबार खोलने को बंद भी नहीं करते। प्रदेश की सबसे अमीर विधायक होते हुए भी कामिनी जिंदल जी क्षेत्र के लिए कुछ भी नहीं कर पाई, क्योंकि वो मात्र अपनी शान के लिए राजनीति में आई हैं और इसी शान और रुतबे में व्यस्त होने के कारण इन्हें कभी जनता के लिए समय ही नहीं मिला। लेकिन अब चुनावों में इनके साथ क्या करना है ये जनता अच्छी तरह जानती है। को जिताया हमने खूब धूमधाम से, दिल तोड़ के हमने वोट दिए बीजेपी को, लेकिन जीत के घर जाकर सो गए। बड़े में काम करे, गरीबों का कुछ नहीं कर रही। हम तो कांग्रेस को देंगे जो हमारे श्वेता बनाएगा। कांग्रेस के तो फिर भी हमारे को दुख सुख में आके तो खड़े होते बेचारे। मैं तो ज्यादा कहूंगी तो मैं तो कांग्रेस को ही सपोर्ट करूंगी, क्योंकि कांग्रेस ने बहुत हमारा साथ दिया है। 5 साल पहले यहाँ की सड़कें, सुविधा, हर चीज के लिए कांग्रेस बेटर थी। राजस्थान के रिपोर्ट कार्ड के अगले भाग में फिर हाजिर होंगे एक और विधायक के रिपोर्ट कार्ड के साथ।